जनरली टेरेन हमारा हुआ करता था काफ़ी सैंडी। इस दफ़ा जब हमने डिस्ट्रिक्ट भावलनगर को ऐड किया है तो इस दफ़ा हमें बहुत डिफरेंट टेरेन्स मिले हैं और ऐसे ऐसे फोर्ट्स मिले हमें रास्ते में जो कि पहले ड्राइवर्स को नहीं पता था कि यहाँ पे हैं। देयर इज सो मच टू डू इन दिस एरिया। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड गुड फॉर्मेट एंड इट्स अबाउट टाइम वी गो फॉर द टू डे रैली एंड दिस लाइक फोर स्टेजेस। ये दो दिन का इवेंट जो है हम काफ़ी चंद सालों से चाह रहे थे पर इवेंचुअली मटेरियलाइज हुआ एंड मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था ये रेसर्स के लिए, लोगों के लिए स्प्रेड आउट हुआ। बेसिकली दो से भी तीन दिन स्टॉक को हमने जुदा किया, तीन दिन ऑफ रेसिंग हुई है और जो हमारे साथ इंटरेक्शन हुई है ऑफिशियल्स की, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हम लोग तो चाहेंगे कि इसको और एक्सपेंड करें, मिनी डेकार बना दें, क्योंकि हमारे पास जगह भी है, एनवायरमेंट भी है और ट्रेन तो मेरा ख्याल सबसे अच्छी है। गाड़ी को चलाना तो है पर बचाना भी है, फिनिश करना है चेकर्ड फ्लैग तक। आप तेज़ हो सकते हैं पर अगर आप फिनिश नहीं करेंगे, अगर तोड़ देंगे गाड़ी को तो यू लूज़। तो ये चीज़ें सब सामने रखनी पड़ती हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या करना है, ट्रैक को देखा हुआ है कहाँ पे पुश करना है, कहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव करना है कि दूसरे दिन भी गाड़ी जो है टूटी हुई नहीं हो।
से तो रेस हो चुकी है, आपको पता है द सेकंड डे इज गोइंग टू कम इंशाल्लाह ताला अनदर डे आफ्टर डे आफ्टर। तो ये पहली रेस थी, ऑब्वियसली इसको हमने बड़ा कंपोज करके चलाना था। दिस वाज अ डिफरेंट ट्रैक जो 210 किलोमीटर का था, जो अब जो 250 का जो आने वाला है 55 का, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। दिस वॉज अ वेरी हैंडलिंग ट्रैक, दिस इज़ अ ट्रैक वेर यू हैव टू सेव योर कार। फिर उसके साथ ही साथ आपने ये देखना है कि ये गाड़ी जो है आपकी मुकम्मल जब करती है रेस, तो फिर उसको ऊपर इतना ज़्यादा काम ना हो जो आप उतने टाइम में प्रिपेयर करके उसको दोबारा रेस के लिए लेके जाएं। तो जाहिरी बात है जो चलाया मैंने और जो हमारे दूसरे साथियों ने, मैं सब ने इसी तरह ही कंपोज और अपने आप को उन्होंने एक 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 स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, और मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी कि सेव करना है, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दिस वॉज लाइक अ WRC, यू नो, लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड अ बिट ऑफ जंप्स ऑल्सो एंड प्रीटी फास्ट एट सम टाइम्स। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डिड वेरी वेल सो फार, आई मीन इन माय कैटेगरी आई वाज रनिंग गुड, आई थिंक प्रॉब्ली आई एम डूइंग द बेस्ट टाइम एट द मोमेंट। अब लेट्स सी हाउ इट कम्स, बट दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। It's a rest day, so you know you can work on your vehicle and be more prepared and look at your timings and see what you have to do next on the stage 3 and on the finishing stage. When we were 220 kilometer or 230 kilometer ki race karte the, usme strategy ye hoti thi ki ji first stage mein thodi bacha ke second stage mein thoda aggressive ho jate the, depends on what your timing is, but ये चार दिन के ये चार स्टेजेस की जो रेस है उसमें आखिरी स्टेज ऑल आउट के लिए रखा जाता है। तीन दिन आपको गाड़ी बचानी, थ्री स्टेजेस आपको गाड़ी बचानी पड़ती है, और पहले जो दो स्टेजेस होने वाले हैं जो हो गए हैं उनमें ये है कि जी हमें दो स्टेजेस के बाद रात को ब्रेक मिलती है एक दिन की, और उसमें हम रिपेयर्स भी कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की, जो डैमेज हुआ हुआ है वो ठीक भी कर सकते हैं। तो उसमें ये एक होता है कि एक कंपेटिटर को चांस मिल जाता है कि जी वो कम्पीट करता रहे, वरना वन डे रेस में यही होता है कि जी इट्स डू और डाई, अगर आप ख़त्म नहीं किया तो आप फिनिश किया नहीं किया या कोई भी वजह से आप अपनी गाड़ी के प्रिपरेशन में लगा रहा पहले, जिसकी वजह से प्रॉपर रेकी नहीं कर सके। सो आई हैड अ बैड हिट देयर, बट आई वाज वेरी लकी कि मैंने उसको एस्केप किया। बट मैंने अपनी गाड़ी की लीफ स्प्रिंग को वहाँ पे टूटी उस जंप पे मिड पॉइंट पे टाइमिंग के बाद, फिर मेरा 4x4 के एक्सल्स होते हैं वो जंप में टूट गए, तो रेस्ट ऑफ द जर्नी आई हैड टू डू विदाउट 4 wheel एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोगों ने भी पूरा साल तैयारी करते हैं, गाड़ी बनाते हैं, एमिंग के वी गेट द फर्स्ट पोजीशन, बट इट इज़ नॉट इजी। आमिर मक्सी साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में, काफ़ी सालों से उन्होंने रेस नहीं की, ही इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, ही इज़ अ चैलेंज फॉर टुमारो डेफिनेटली। The first day from the qualify and the first race on day one is this car has a little bit problem about the fuel pump. We solve the problem is something is stuck in the fuel pump.
हमारी तैयारी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन द ट्रैक और हमारी गाड़ी तैयार है, हमारी मोटिवेशन हाई है एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइव. This car quite old already, so he said maybe next year if he get a new car and would like to coming back to Cholistan, this is a challenge again. पाँच में सिर्फ 32 व्हीकल्स थी और उस वक्त स्टॉक और प्रिपेयर्ड का कोई नाम नहीं था, रोल केज नहीं थे. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ी, आज इसको 12th चोलिस्तान जीप रैली है तो इसमें आप पार्टिसिपेशन देखें 120 तक चली गई. और सिर्फ हमारे रीजन में नहीं, भावलपुर, मुल्तान और इसके जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी बढ़ी है और ओवरऑल भी बढ़ी है. मेरे ख्याल में जो कराची से, बलूचिस्तान से नए लड़के, नए यंग भी आए हैं, पुराने लोग भी अभी तक रेस कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये टाइम के साथ जो इस रेस में खूबसूरती आई है और ये आगे बढ़ेगी मेरा ख्याल में. जो आज हम समझते हैं कि 120 गाड़ियाँ, और हो सकता है साल दो तीन के बाद ये हमसे वन डे टू डे मैनेज ना हो, हमें ये चार पाँच दिन पे लेके जानी पड़े और डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट डेज में हमें कैटर करना पड़े. मैं और हमारे सारे जितने भी रेसर्स हैं और साथी हैं वो यही चाहते हैं इस रेस को फेडरल लेवल पे लेके जाएं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं. और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर मतलब हम लोग ना नहीं कर सकते. और मैं कहना, इट्स अ वेरी गुड विंडो और एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का देने के लिए वॉट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ विल बी वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी पॉजिटिव साइन. और इंटरनेशनल लेवल पर आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास पाकिस्तान में आने शुरू हो गए हैं लोग. इधर जो साइट सीइंग वगैरह है एंड पीपल कम एज अ पिकनिक, पीपल कम विद देयर फैमिलीज. टुडे लाइक आई वेंट, देयर वाज अ प्रॉपर फूड स्ट्रीट मेड ओवर हियर इन भावलपुर, व्हिच सॉरी ओवर हियर इन दिलावर फोर्ट,
which is awesome. You know, like the restaurants in line, people sitting with their families, eating food, enjoying themselves. So I think it's a good atmosphere to come and enjoy yourself, and plus sports. So take part in it too.